हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मायास हिंदी। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको हेल्थमेड ब्रांड के जिंकगो ग्लोबा कैप्सूल के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये कैप्सूल आपके बॉडी को, आपके शरीर को किस तरीके से फायदा देता है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोजेस सबके बारे में। तो गाइस यदि आप मानसिक कमजोरी से परेशान हैं, किसी भी प्रकार के तनाव चिंता को दूर करना चाहते हैं, एकाग्रता में सुधार करना चाहते हैं, स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, भूलने की बीमारी को दूर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर प्रेस कर दे, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अपन बात कर लेते हैं हेल्थमेड ब्रांड के जिंकगो ग्लोबा कैप्सूल के बारे में, जिसकी पैकेजिंग के अंदर गाइस 60 कैप्सूल प्रेजेंट है, जो कि 1000 एमजी में अवेलेबल है, जिसका उपयोग गाइस आपके एकाग्रता में सुधार करने में किया जाता है, मानसिक कमजोरी को दूर करता है और स्वस्थ परिसंचरण को बनाए रखने का काम करेगा। इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो है जिंकगो ग्लोबा एक्सट्रैक्ट, ब्राह्मरी एक्सट्रैक्ट, जो कि गाइस आपके दिमागी कमजोरी को दूर करता है, नींद, अच्छी नींद लाने में मदद करता है, अच्छी नींद प्रदान करता है, मानसिक जागरूकता को उत्तेजित करने में मदद करेगा, संपूर्ण स्वास्थ्य को हेल्थी बनाए रखता है, वेजिटेरियन है गाइस, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए, बल्कि आपके शरीर को हेल्थी बनाए रखने में मदद करेगा। डोज की बात करें तो डेली अपन को एक कैप्सूल लेना है। कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर ले कि किस तरीके से सेवन करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट के बिना आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना ही आप इसे ओवर डोजेस ले। गाइस यदि आप पहले से किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं या फिर आप मानसिक कमजोरी को दूर करने के लिए अन्य प्रकार की दवा को इस्तेमाल में ले रहे हैं, तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इसका इस्तेमाल नहीं करना, ना ही ओवर डोजेस लेना है। प्राइस की बात करें तो गाइस इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। इसके जो 60 कैप्सूल है वो आपको 299 रुपए में मिलेंगे, जिसे गाइस आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखिए गाइस, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियस सी बात है गाइस उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा ध्यान रखना है, हाँ, जो भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है। मानसिक कमजोरी को दूर करने का गाइस ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है, तो आप इसे इस्तेमाल में जरूर लें। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे, और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन भी दूर होता रहे। फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।